हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार बच्चों, आज हम प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 गणित पूर्णांक 20 के लिए इसको आज हम हल करेंगे। इसमें आपको सभी प्रश्नों को हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और सभी को आपको हल करके और इस पूरे असाइनमेंट को आपको विद्यालय में जमा कराना है। तो आइए बच्चों, गणित कक्षा 10 का ये प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है। इसको हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे और उसके बाद में ही हम इसको पूरी तरीके से हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें आज पढ़ना है द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना बच्चों? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं या क्या होता है? मतलब वह बहुपद जिसकी या जिसके जिसके चर की अधिकतम घात दो हो। कितनी हो? दो हो, उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लें आपके सामने, 2x² + 3। यहाँ आप देखिए, यहाँ चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे में और ले सकते हैं x² + x + 3। यहाँ भी चर क्या है हमारे पास में? x, और x की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ इसे हम बोलेंगे ये द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है। एक और लेते हैं, ये x + 2x और इसकी घात लेते 3, तो यहाँ पर चर क्या है? x है, और x की अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात का द्विघात नहीं है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि वह बहुपद जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो बच्चों, जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है उसका मान का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है x² + bx + c। तो बच्चों, यहाँ द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, जहाँ इस a का जो x² गुणांक है उसका मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। बच्चों, यदि इसका मान शून्य होगा तो यहाँ x² शून्य होगा, तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 शून्य हो चुकी है, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा। बच्चों, आप दोबारा देखिएगा, यहाँ ax² + bx + c, जहाँ a का मान 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं यदि a का मान 0 होगा तो x² पद शून्य हो जाएगा, तो ये bx + c बचेगा, तो हम कहेंगे ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि a का मान कभी 0 नहीं होगा द्विघात बहुपद के लिए। अब द्विघात बहुपद के शून्यांक तो हम याद करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं क्या होते हैं? यदि हमारे पास में जो एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास में कोई बहुपद एक्स्ट्रा हमने ले लिया है, जैसे यहाँ लिखे हम कोई बहुपद, जैसे हमारे पास में कोई बहुपद ले लिया हमने, जैसे 2x + 1 लिया है, इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो इसका मान हमें शून्य के बराबर लिख दो। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो ये हो गया 2x, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1,
और ये संख्या गुणा में है तो वज्र गुणा से ये एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो हम कहेंगे इस बहुपद का शून्यांक हो गया माइनस का 1/2। तो ऐसे ही द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे या शून्यांक कितने होंगे, ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघात बहुपद के शून्यांक भी 2 होते हैं। तो एक शून्यांक तो होता है इसका अल्फा, इसको हिंदी में लिखते हैं अल्फा, एक होता है बीटा, इसको लिखते हैं बीटा। बच्चों द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ध्यान दीजिए इसे कैसे याद करेंगे, द्वि यानी 2 घात आ जाएगी तो 2 शून्यांक होंगे, 3 घात होगी तो 3 शून्यांक होंगे। ऐसे हम आगे बढ़े, अब इनके जो शून्यांक होते हैं उनमें संबंध होता है, उनमें एक संबंध होता है, वो क्या होता है देखें, शून्यक शून्यकों का योग। बच्चों क्या लिख रहे हैं हम, शून्यकों का योग। अब आपको पता है शून्य क्या होता है, एक तो अल्फा होता है एक क्या होता है बीटा, दोनों का योग करेंगे इसका मान -b/a आएगा। अब ये b कहाँ से आया, b आया है यहाँ से, x का जो गुणांक होगा वो b होगा और a कहाँ से है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसे हम बोलेंगे a। तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का बी बटा ए। ध्यान दीजिए बेटा अब जो हम ये वाला प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र हल करेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा ना लेकर अल्फा के स्थान पर तो पी लिया गया है और बीटा के स्थान पर लिखा लिया गया है, क्यों? तो बच्चों अब हम ये भी ध्यान रख लें इसको हल करने के चक्कर में कि जो अल्फा है उसके स्थान पर किसका यूज लिया गया है, पी का, और बीटा के स्थान पर क्यू का मान लिया गया है। तो यहाँ भी लिख लें पी प्लस क्यू बराबर होगा माइनस का बी बटा ए। तो इससे भी याद कर सकते हैं और इससे भी याद कर सकते हैं। अब दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा याद करेंगे शून्यांकों का गुणन या गुणनफल। यह होगा यहाँ से अल्फा गुणा बीटा, क्योंकि हमारे पास 2 शून्यांक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, इसका मान हो गया c/a। इसका मान क्या होगा c/a। ध्यान दीजिए जो शून्यांकों का गुणन होगा शून्यांकों का गुणन ये होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो ये हो गया अल्फा गुणा बीटा बराबर हो गया c/a, या इसे हम लिखें p और q के रूप में, क्योंकि इस प्रपत्र में दिया हुआ है अल्फा का मान तो p से लिखा गया है और जो बीटा है उसको लिखा गया है q से। तो ये हो जाएगा p गुणा q बराबर हो गया c/a। तो बच्चों आज हमने सीखा सबसे पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे चर जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a का मान कभी शून्य नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक तो होता है अल्फा एक होता है बीटा। अब यहाँ पर हमने सीखा शून्यांकों का योग क्या होता है, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर इस प्रपत्र में अल्फा को तो पी लिखा गया है, बीटा को क्यू लिखा गया है, तो पी प्लस क्यू बराबर हो गया माइनस का बी बटा ए। और ऐसे ही आगे बढ़े तो शून्यांकों का गुणन ज्ञात करेंगे तो हो गया अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो यहाँ इसका मान अल्फा को पी से अंकित किया गया है तो पी, और बीटा को क्यू से अंकित किया गया है तो पी गुणा क्यू बराबर हो गया सी बटा ए। अब बच्चों यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे, जो द्विघात बहुपद का हम लेखा चित्र बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं का लेखा चित्र बनाते हैं या इसका ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ इसका ऐसे आता है, जैसे हम इसको तो मान लेते हैं एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है और इसे हम बोलते हैं परवलयकार,
तो आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद की आकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे परवलयाकार होती है, परवलयाकार। आइए अब इन सभी सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम प्रथम मूल्यांक प्रपत्र कक्षा 10 गणित को हल करते हैं। आइए बच्चों अब हम हल करते हैं प्रथम मूल्यांक प्रपत्र को, सूत्रों की सहायता से हम इसको हल करेंगे। आइए बच्चों, तो पहला ही पहला प्रश्न दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक p और q है, मतलब एक आपको दे रखा है ये बहुपद, इसके एक शून्यक p दे रखा है, एक q दे रखा, तो आपको p प्लस q का मान ज्ञात करना है। बच्चों p प्लस q का मान ज्ञात करना है, तो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अभी फॉर्मूला आपके सामने हमने लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला था कि शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा या पी प्लस क्यू का मान माइनस बी बटा ए था, माइनस बी बटा ए था, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है सूत्र था हमारे पास में ये बहुपद दिया हुआ, बहुपद हमें दिया हुआ, बहुपद बराबर बहुपद दिया हुआ हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, और इसका हमें ज्ञात करना है p प्लस क्यू, ये सूत्र होता है माइनस का b बटा a। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जिससे कोई गुणांक नहीं होता उसे गुणांक एक मान लेते हैं, तो अब ध्यान लिखिए a b और c, तो a का मान तो हमारे पास में एक हो चुका है, b का मान माइनस 2 हो चुका है, c का मान 4 हो चुका है। ध्यान रहे बच्चों x वाले टर्म को नहीं लेंगे, तो यहाँ a का मान तो हमारे पास कितना हो गया, एक हो गया, कोमा b का मान हो गया माइनस का 2, और c का मान हमारे पास कितना हो गया 4। इन सभी मानों को इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, तो ये हो गया p प्लस क्यू बराबर माइनस का माइनस, और b का मान माइनस 2, माइनस 2 को छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, बटे a का मान हो गया 1। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, तो ये माइनस माइनस से गुणा होगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 बटा 1, तो हम लिखेंगे p प्लस क्यू बराबर हो गया 2, तो इसका आंसर होगा 2। तो इसका हमारा आंसर हो गया ब वाला, हम कहेंगे ब वाला सही हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे ब। आइए बच्चों इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अब बच्चों दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे, दूसरे प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के शून्यांक क्या होंगे। तो बच्चों हमारे पास में बहुपद में दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, अब इसका हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो इसका मान शून्य के बराबर कर लेंगे और इसे हल करेंगे, यह लिख देंगे गुणा। बच्चों आपको पहले 9th क्लास के अंदर भी आपको ये सिखाया गया है, और यहाँ लिख देंगे जोड़ या बाकी। बच्चों गुणा में जो पहला वाला पद है, यहाँ हम एक मान सकते हैं, पहले वाला पद लास्ट वाले पद से गुणा होता है, तो 21 को एक से गुणा करेंगे, तो 21 का 21 आ गया, या चिन्ह माइनस का है माइनस कर देते हैं, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। जोड़ या बाकी में लिखा जाता है बच्चों 4x, तो हम इसके 4x के ऐसे टुकड़े करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर तो 21 आ जाएं, और जोड़ने पर बाय करने में कितने आ जाएं 4, तो बच्चों 7 व 3, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 आ गया, और 7 में से 3 घटाएंगे बाय करने पर तो 4 हमारे पास में आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ चिन्ह नहीं मिला, चिन्ह को हम देखेंगे कि 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और 7 में 3 घटाएंगे तो इसका माइनस के प्लस वाले चिन्ह से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर x लगा दें, यहाँ भी x लगा दें, तो हमारे पास दो टुकड़े मिल गए, एक तो प्लस के 7x, एक माइनस के 3x। आइए बच्चों इनको हल करते हैं, तो यह हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पहले बड़ा वाला टुकड़ा पहले कर लो,
और माइनस का 3x और माइनस का 21 बराबर में 0 कर लेंगे, दो इधर कर लेंगे, दो इधर, इनमें से कॉमन लेंगे। तो बच्चों यहाँ कॉमन आया हमारे पास में x, तो हम x कॉमन लेंगे तो गया x, यहाँ से x बाहर निकल गया, बच गया 7। यहाँ देखिए यहाँ हो गया, इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, 3 का, और साथ में माइनस भी है, तो माइनस 3 यहाँ कॉमन लेंगे, तो यह माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सभी चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, और 3 का भाग 3 लगाए एक बार, एक को x से गुणा करेंगे, x से कम x हो गया प्लस, और 3 का भाग किसमें लगाएंगे 7 बार गया बराबर में 0। बच्चों यहाँ एक डायलॉग हम याद रख करते हैं, जो संख्याएं अंदर है उसे अंदर रखो, ये अंदर रख दिया, और जो बाहर घूम रही है x और माइनस 3 इसको भी अंदर कर दो। तो बच्चों याद रखो, जो अंदर है उसे अंदर, जो बाहर घूम रही है उसे भी अंदर, बराबर में 0। एक बार पहला वाला शून्य कर देंगे, x प्लस 7 को हम शून्य कर देंगे बच्चों, और एक बार x माइनस 3 को भी शून्य कर देंगे। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, ये वाला पद उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7, और ये हो जाएगा, ये उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया प्लस का 3। तो ये तो हमारा पहला शून्यक आ गया माइनस का 7, और ये द्वितीय शून्यक 3 हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास में, इसका आंसर आया हमारे पास में माइनस का 7.3, माइनस के 7.3। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, माइनस के 7.3 तो हमारा आंसर ब हो गया, तो यहाँ भी हम ब आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, दूसरे को भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो बच्चों दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड से हमें हल करना होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे बराबर में 0, शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे गुणा और नीचे लिखेंगे जोड़ या बाकी। तो बच्चों यहाँ से हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 8x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा माइनस का 6x, इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर तो हमारे पास में आ जाएं 6, और गुणा करने पर आ जाएं 8। तो बच्चों देखिए, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे, और 4 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएंगे, तो ये माइनस का करें क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो 4x और 2x ये हमारे पास में आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये बड़ा वाला टुकड़ा पहले कर लो, 4x और माइनस का 2x और प्लस के 8 बराबर 0। एक बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा हमारे पास में x, तो x माइनस 4 ये बच चुका है, और ये माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास में, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या x और माइनस का 4 बराबर 0। बच्चों यहाँ देखिएगा, अपने माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेते हैं या गुणा करते हैं तो सब संख्याओं के चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसका माइनस का था ये प्लस हो चुका है, ये प्लस का माइनस हो चुका है। अब बच्चों देखिए, जो यहाँ डायलॉग पहले वाला था वो याद करेंगे, जो संख्याएं अंदर होती है उन्हें अंदर रखो, तो x माइनस 4 अंदर है उसे अंदर रख दिया, ये दोनों बाहर घूम रही है इनको भी पकड़कर अंदर कर दिया, और बराबर में 0 कर दिया। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना था, एक बार इसको शून्य कर देंगे, एक बार इसको भी शून्य के बराबर रख देंगे। बच्चों यहाँ से x माइनस 4 है इसको भी शून्य कर दिया, और यहाँ x माइनस 2 है इसको भी क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब यहाँ से ये वाला पद इधर चले जाएगा, तो यहाँ हम बोलेंगे x बराबर 4, और ये भी उधर जाएगा तो ये x बराबर 2। तो बच्चों यहाँ हमारा शून्यांक आ चुका है आंसर के रूप में, एक तो 2.4, तो इस बहुपद का शून्यांक होगा 2.4। तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हल, 2.4, ये रहे 2.4, तो आंसर होगा ए, तो इसका आंसर हमारे पास में हो गया ए। अब बच्चों यहाँ देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। बच्चों मैंने कहा था एक द्विघात समीकरणों का मान रूप होता है एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 होगी तो 2 शून्यांक होंगे, चर की अधिकतम घात 3 होगी तो 3 शून्यांक होंगे, तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके हमारे पास में 2 ही शून्यांक होंगे, तो आंसर होगा ब, तो इसको ब आंसर हम लिख देंगे। बच्चों आगे दिया गया है P व Q, जहां अल्फा लिया गया था बीटा लिया गया था उसके स्थान पर P और Q बोला गया है। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये तो सीधा ही फॉर्मूला था, मैंने आपको लिखवाया था, सीधा ही फॉर्मूला था हमारे पास, देखिएगा आपको लिखाया था P प्लस Q ये होता है माइनस का b बटा a, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे माइनस का b बटा a, तो ये हमारा ब वाला आंसर ठीक हो चुका है। ऐसे ही p
पी और क्यू, बच्चों ऐसे देखिएगा, पी और क्यू एक द्विघात बहुपद, पी और क्यू एक क्या है, द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक है, तो पी गुणा क्यू। अब हम ज्ञात करने हैं पी गुणा क्यू का फॉर्मूला। तो बच्चों हमने पी गुणा क्यू का फॉर्मूला लिखाया था, जिसे अल्फा गुणा बीटा होता है उसे पी गुणा क्यू भी बोल सकते हैं, ये होगा सी बटा ए। तो यहाँ से अपन बोलेंगे इसे, इसका मान होगा सी बटा ए, तो सह वाला आंसर हमारा ठीक हो चुका है। अब बच्चों ऐसे बोला गया है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यांक क्या होंगे, अब हमें इसे हमें हल करना है, इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे तो यह लिख देंगे हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ऐसा प्रश्न हमारे दूसरे चैप्टर के उदाहरण में भी है और एक क्वेश्चन भी है एक्स स्क्वायर माइनस 5 है और एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक बार बोर्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्य के बराबर लिख देंगे। अब ये अचर संख्या को अचर संख्या में लेके जाएंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, ये माइनस का उतर गया तो प्लस का हो चुका है। तो बच्चों आपको पता है इस वाले पक्ष से घात 2 उठाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और आगे प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो बच्चों हम कहेंगे x बराबर प्लस माइनस, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारे पास शून्यांक आ गए, एक तो प्लस का 5 एक माइनस का 5, तो इसका आंसर हमारे पास में होगा एक तो प्लस का 5 कोमा एक माइनस का 5, तो इसका आंसर होगा प्लस का 5 और माइनस का 5, तो बे वाला आंसर यहाँ हमारा ठीक हो जाएगा। बच्चों आगे चलो, ऐसे ही हमारा ये वाला प्रश्न है जो हमारे चैप उसके अंदर भी है, प्रश्नमाला के अंदर भी है, देखिएगा ये वाला बहुपद दिया हुआ हमें 3x² माइनस एक्स और माइनस 4 का शून्यांक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम हल कर रहे हैं। इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए शून्य लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे गुणा, सबसे पहले लिखेंगे गुणा और नीचे लिखेंगे जोड़ या बाकी, तो गुणा में जो आंसर आएगा इसको यहाँ लिखेंगे, जोड़ बाकी में आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों देखिए गुणा में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 × 3 = 12 एक्स स्क्वायर हो चुके हैं, और जोड़ बाकी में यहाँ एक लगा ले तो माइनस का 1x माइनस का 1x। अब एक के ऐसे टुकड़े दो करेंगे हम कि गुणा करने पर तो माइनस के 12x² आ जाएँ और जोड़ने पर या बाय करने पर माइनस का 1x आ जाएँ। तो बच्चे हम टुकड़े कर लेंगे 4 और 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 4 में से 3 जाएंगे, 3 में 4 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो हम इसको सही से करें, यहाँ भी x लगाएं, यहाँ भी x, बच्चों देखो बाकी करने पे हो रहा है ये प्रश्न, तो 3 में से 4 घटाएं जब माइनस का 1 आएगा तो इसको घटा लें, तो हमारा एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। तो इसको हल करें तो ये हो गया 3x² पहले हो गया, बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 = 0। अब इसे हल करेंगे तो एक बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक बार इन दोनों में से, इन दोनों में x x कॉमन है तो यहाँ से हम x को बाहर निकालेंगे, हमारे पास बच जाएगा 3x और माइनस का 4, और बच्चों यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कोई कॉमन नहीं आता वहाँ एक कॉमन आता है, तो यहाँ बच गया 3x - 4। बच्चों पहले वाला डायलॉग हमें याद रखना है, जो अंदर है उसे अंदर, जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें पकड़कर अंदर। तो बच्चों ये दोनों अंदर है उसे अंदर कर दो, 3x - 4 को तुमने अंदर रख दिया, जो बाहर घूम रहे हैं x + 1 इसको भी हमने अंदर कर दिया। अब बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़े तो एक बार इससे 0 कर देंगे, 3x - 4 = 0 और एक बार x + 1 = 0, तो इससे 0 करेंगे, 3x ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, तो x का मान इसको उधर गुणा से बट्टे में भेजेंगे तो 4/3 हमारा ये पहला शून्यांक आ चुका है। ऐसे इसको उधर भेजेंगे तो हो गया x - 1, ये हमारा दूसरा शून्यांक हो गया, तो आंसर होगा 4/3 - 1, 4/3 - 1। तो बच्चों देखिएगा 4/3 - 1, तो ये माइनस एक तो ये रहा, 4/3 ये रहा, तो 4/3 तो ये रहा और माइनस एक, तो बे वाला आंसर हमारा ठीक हो चुका है ये वाला। देखिएगा उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांक ये 4 - 4 है। वो लगे एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, इसके शून्यांक दे रखा है, मतलब ये तो दे रखा है अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, इसको हम पी मान सकते हैं क्यू मान सकते हैं। तो बच्चों ऐसा जो प्रश्न आएगा उसको हल करने के लिए आपको मैं समझाता हूँ, ऐसा जो प्रश्न आएगा उसे हम हल करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाना था जो पहले भूल चुका था,
अब मैं उसको आपके सामने लिख के आता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी इसके ऊपर एक प्रश्न जरूर आ सकता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल बच्चों, ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस या माइनस चिन्ह होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यांकों का योगफल, फिर यहाँ एक्स आएगा प्लस फिर अल्फा गुणा बीटा। ये हमारा एक ऐसा बहुपद है जो आपको शून्यांक का योग दिया हुआ हो या गुणा दिया हुआ हो। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ वो देखें, हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर हम 9 हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें दिया हुआ है उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांक यानी अल्फा का मान दिया हुआ 4 और बीटा का मान -4। तो बच्चों हम लिखें, अल्फा का मान दिया हुआ है 4 और बीटा का मान दिया हुआ है -4। तो बच्चों अब ये इसमें सूत्र मान रखें, तो यहाँ से हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस बर्किट, अल्फा का मान है 4 कर दिया प्लस और ये माइनस का 4, बीटा का मान ये रख दिया और ये एक्स प्लस अल्फा का मान 4 कर दिया, गुणा का चिन्ह गुणा लगा दिया, बीटा का मान -4 कर दिया। अब बच्चों इसे हल करें, एक्स स्क्वायर तो ये हो गया माइनस, 4 में 4 गया तो 0 हो चुका है, यहाँ x हो गया, इसके माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, -4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो बच्चों यहाँ से आगे बढ़े तो हो गया एक्स स्क्वायर, और 0 को किसी चर से या अचर से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और ये माइनस का 16 आ चुका है। तो हमारा बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पहला वाला ए वाला हमारा पास आंसर आ चुका है। बच्चों अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में, अपने सहेलियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला गया है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, मतलब इस शून्यांकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग और गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा का मान हमें कर्म से दिया गया है। तो बच्चों यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3 और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया हुआ है -3 और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो बेटा हमें क्या क्या मान दिया हुआ है देखिएगा, हमें मान दिया हुआ है पहला तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है 3, तो हमने ये 3 रख लिया, और ऐसे अल्फा गुणा बीटा का मान हमें दिया हुआ है -3, तो ये -3 रख लिया। इन सभी को इस फॉर्मूले के अंदर मान में रखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास आ चुका है 3, तो ये 3 कर लिया और ये हो गया एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान -3 है, तो हमने ये -3 रख लिया। बच्चों आगे बढ़ाए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस, तो हमारा आंसर हमारे पास में आ चुका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, तो ए हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो चुका है ए। ऐसे यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। बच्चों हमने अभी पढ़ा था आपके सामने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है किसी द्विघात बहुपद का मानक रूप। यदि इसमें हम बराबर को और ऐड कर दें, बराबर का चिन्ह को और ऐड कर दें, तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण। तो बच्चों ये क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और समीकरण में और बहुपद में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पर बराबर में शून्य होता है और द्विघात बहुपद में शून्य नहीं होता है, और यहाँ लिखेंगे जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बन चुका है। तो बच्चों यहाँ पे देखना है द्विघात समीकरण उसी कहेंगे इसकी चर की अधिकतम घात तो हो। तो बच्चों यहाँ हमें जांच करना है कि इनमें से किस में अधिकतम घात 2 है या द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हम इसे देखें, तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो बहुपद की तरह ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। अब दोनों की अधिकतम घात हम करेंगे, तो यहाँ हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर
और प्लस का 7x और माइनस का 8 बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। तो बच्चों देखिएगा बराबर के चिन्ह में इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर दोनों कट चुके हैं, तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम इसी जाँच करें तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला पहला वाला, तो इसे हम हल करने के लिए अलग से पेज लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 8 बराबर में दिया हुआ है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो एक साधारण रूप में दिया हुआ है इधर वाली फॉर्म, तो माइनस का 7x और माइनस का 8। अब इसे हम a माइनस बी, इसे a माने इसको माइनस बी माने, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो बच्चों आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो a का मान तो x है, b का मान 2 है, इस फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। तो बच्चों रखेंगे तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 का मान 2 कर दिया, a का मान कितना है x, तो x कर दिया, और b का मान कितना 2, प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो बच्चों आगे बढ़ जाए यहाँ से, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दुनी 4, 4x प्लस 4, दोनों पक्षों में समान संख्या काट देते हैं, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, तो ये पहला भी हमारा गलत हो चुका है। तो बच्चों आप यहाँ देखें, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये कट गया दोनों पक्षों में से, ये 8 भी 8 कट गया अपना, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है और बराबर में 0, तो ये हमारा क्या है कि द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये हमारा से वाला आंसर यहाँ हमारा ठीक होगा, तो से हमारा आंसर ठीक हो चुका है। अब निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं, तो बच्चों द्विघात जो समीकरण होता है आपको पढ़ाएं द्विघात समीकरण जो चौथा चैप्टर 10th क्लास का है द्विघात समीकरण, इसको हल करने की हमारे पास में 3 विधियां होती हैं। तो पहली विधि होती है उसको तो हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जिसे हमने अभी बहुपद में भी क्वेश्चन किया था, बराबर 0 लगाकर गुणा जोड़ भाग करने पर उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। और एक दूसरी विधि होती है जिसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और एक तीसरी विधि होती है इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, या इसका एक और नाम है इसको बोलते हैं धराचार्य सूत्र। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें आप जानते हो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, ये एक फॉर्मूला होता है जिसे धराचार्य सूत्र हम कहते हैं। तो बच्चों द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी धराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा लिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है, तो गुणनखंड विधि भी सही है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी सही है, द्विघात सूत्र भी विधि सही है, उपरोक्त सभी, तो इसमें द वाला आ जाएगा, यानी तीनों विधि हमारी है। तो यहाँ बोला है द्विघात समीकरण को हल करो। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम बहुपदों को हल कर रहे थे तो वहाँ शून्यांक ज्ञात हो रहा था, अब उसी प्रकार से हम इन्हें गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो हमें मूल प्राप्त होंगे, तो इस समीकरण को हल करने हैं, तो उसी प्रकार से हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 12 और बराबर में 0, तो यहाँ लिख देंगे गुणा करने पर और नीचे लिख देंगे जोड़ बाकी करने पर। ये बहुत ही सिंपल विधि है और इससे हमारे बौद्धिक विकास भी होता है, ये मानसिक विकास भी इसका होता है, क्योंकि हमें प्रेशर लगता है दिमाग के ऊपर, सोचना पड़ता है, थोड़ा मंथन करना पड़ता है इसलिए। तो बच्चों गुणा में लिखते हैं 12x², तो ये हो गया 12x² और जोड़ बाकी में लिखेंगे माइनस का 8x और इसे दो टुकड़ों में बांटेंगे, ये गुणा करने पर तो 12 आ जाएँ और जोड़ या भाग करने पर 6 आ जाएँ। तो बच्चों 6 × 2 = 12, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो ये माइनस का है तो उधर माइनस लगा देंगे, इधर भी x और इधर भी x, तो हमारे एक टुकड़ा माइनस का 6x, एक माइनस का 2x, तो हमारा यहाँ से इसको हल करेंगे तो गया एक्स स्क्वायर माइनस का पहला वाला टुकड़ा माइनस का 6x और माइनस का 2x और प्लस का 12 बराबर में आ गया 0, एक बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक बार दोनों में से कॉमन लेंगे, तो बच्चों यहाँ से लेंगे तो ये हो गया x कॉमन आया x माइनस 6, यहाँ बच चुके हैं, यहाँ लेंगे माइनस का 2,
जब भी माइनस कॉमन लेंगे सबके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, 6 = 0। तो बच्चों पूर्व की भांति आप बोलें कि जो अंतर है उसे तो हमने अंतर कर दिया, एक्स माइनस छः को और एक्स प्लस दो को पकड़कर अंतर कर दिया, बराबर में 0 हो गया। एक बार इसे 0 करेंगे, एक्स माइनस छः को 0 और एक बार एक्स माइनस दो को 0। तो बच्चों ये उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर 6। तो पहला मूल आ गया हमारा 6, ये उधर जाएगा ये भी, तो ये हो गया एक्स बराबर 2। तो हमारा दूसरा मूल होगा 2, तो आंसर होंगे 6, 2 या 2, 6। तो बच्चों यहाँ देखते हैं क्या आंसर आ चुके हमारे पास में, ये रहे 6, 2, तो हमारा द वाला आंसर ठीक होगा। बच्चों इसी प्रकार दीघा समीकरण x² - x - 20 को हल करिए। बच्चों इसे भी हम हल करते हैं, दूसरा वाला प्रश्न लेते हैं, अगला वाला जो भी है ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे पास में है, इसको हल, ये हमारे पास में है x² - x - 20। तो बच्चों अब इसे हम हल करते हैं, तो ये हल करने के लिए बराबर में 0 कर दें और ये हो गया गुणा और ये जोड़ या बाकी, गुणा में आता है इसको, इससे गुणा करें माइनस का 20x², ठीक है बच्चों, और जोड़ बाकी में होगा माइनस का 1x लिख सकते हैं, गुणा करें ऐसे टुकड़ा करें, गुणा करने पर तो माइनस का 20 आ जाए और जोड़ या बाकी करने माइनस 1 आ जाए। तो बच्चों चार व पाँच टुकड़े होंगे, 4 × 5 = 20 हो गया और 4 में से 5 घटाएंगे, 4 में से 5 तो -1, तो ये हो गया हमारा टुकड़ा हो गया चुका 4x और -5x। तो इसको हल करने के लिए पहले x², फिर आएगा -5x, फिर प्लस का 4x और -20 = 0। एक बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक बार दोनों में से, तो हो गया x -5 और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी x - 5 = 0। बच्चों एक बार डायलॉग याद बोलते हैं, याद है तो x - 5 जो अंदर है उसे अंदर कर दिया, जो बाहर घूम रहे हैं उसे भी हमने अंदर कर दिया, बराबर 0। बच्चों आगे बढ़ाएं, एक बार इसे शून्य करना है, x - 5 = 0, एक बार x + 4 = 0, तो ये उस ओर जाएगा तो हो गया x = 5। तो पहला हमारा मूल आ चुका है 5 और इसी प्रकार ये उधर जाएगा तो आप बोलोगे x - 4, तो हमारा दूसरा मूल हो गया है -4, तो 5, -4 आंसर होगा। तो बच्चों आप देखिए 5, -4 14 क्वेश्चन में 5, -4 हमारा आंसर होगा ये 6। आइए अब यहाँ अगला वाला प्रश्न पूछा गया है, सत्य है या असत्य। देखिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती है इसे p/q रूप में लिखते हैं, ये एक पूर्णांक संख्याएं होती है, ये तो हमारी परिमेय संख्या होती है बेटा जो p/q रूप में होती है, और पूर्णांक जो संख्याएं होती है पूर्णांक, इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 ऐसे प्लस के अनंत जाती है और इधर -1, -2 ये माइनस के अनंत तक जाती है, ठीक है बच्चों। तो बोला गया परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो जरूरी थोड़ी है, जैसे हमारे पास में आया 3/4 एक परिमेय संख्या, ये इसमें कहाँ है, नहीं है, तो ये पहला वाला हमारा गलत हो चुका है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, गलत है ये भी, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग से क्या बनती है, वास्तविक संख्या, तो ये भी गलत हो चुका है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, तो ये सही है, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या के संयोग से बनती है वास्तविक संख्याएं, और सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है कि नहीं, प्राकृत संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो हमारा आंसर हो गया इसमें 6। तो हम बोलेंगे इसमें 6 वाला आंसर हमारा ठीक हो चुका है। अब बच्चों आपको 420 और 130 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, तो बच्चों अब हम याद करेंगे कि 100, बच्चों अब हम याद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ लिखा गया है 420 और 130 का हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो बच्चों महत्तम समावर्तक को ऐसे बोला जाता है और इसे अलग अलग गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो चल जाएगा ये 21 बार यानी 210 बार, फिर 2 का लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो गया, उतारा 1, फिर भाग टूट की सिप लग गई और
105 बार। अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का देंगे तो 1 बार। तो हमारा ये हमारा एक टुकड़ा हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 3 × 5 × 7। बेटा आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। अब 2 का देंगे, 2 × 12 हो चुके हैं, 2 × 5 = 10 हो चुके हैं। अब 5 का देंगे तो 5 × 5 और 5 × 3 = 15, फिर 13 का देंगे तो 13 × 13, तो इसके टुकड़े हो चुके हैं हमारे पास में 2 × 5 × 13। अब इसमें दोनों में निकालेंगे एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ का मान होता है जो दोनों में ऐसा गुणनखंड दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में सार्वनिष्ठ हो। तो यहाँ 2 भी मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो हमारा आंसर होगा 2। यहाँ 5 है परंतु यहाँ 5 नहीं है, न 13 है न 13 नहीं है, दोनों में मिल जाए हम कह सकते हैं, ऐसा दोनों का मित्र हो, इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए, तो हमारा आंसर आ गया एचसीएफ 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास में आ गया 2। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर होगा 2, तो ए में 2 नहीं है, बे में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, तो दे वाला आंसर हमारा ठीक होगा। इसी प्रकार बच्चों अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास में है 210 और 55 का मैथम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कितने का बच्चों, 210 लिखा गया है, 210 और 55 का मैथम समावर्तक ज्ञात हमें करना है बच्चों। तो लीजिएगा 210 और 55 का निकालेंगे, तो यहाँ इसको भी अलग निकालेंगे और इसे भी अलग निकालेंगे। बेटा यहाँ हम 5 का लगा लेंगे, नहीं 11 बार जाएगा, और 11 का लगाए तो 1 बार गया, इसका टुकड़े हो गए 5 × 11। और इसके में लगाएंगे 2 का लगाएंगे, 2 × 2 फिर वही 5 बार, फिर 5 का लगा लें तो यह हो गया 2 बार, यहाँ 1 बार, फिर 3 का देंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 का देंगे तो 1 बार, टुकड़े हो चुके हैं 2 × 5 × 3 × 7, इसे आगे पीछे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ दोनों में जो ऐसा टुकड़ा दोनों में कॉमन हो, ऐसे गुणनखंड दोनों में कॉमन हो, तो 5 हमारा है, तो इसका आंसर हमारे पास में आ चुका है 5। बेटा तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ चुका है, 5। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा हमारे पास में 5। तो लीजिए बेटा इसका आंसर हमारे पास में ये आ चुका है, तो आप बोलेंगे इसका ए वाला आंसर हमारा ठीक हो चुका है। अब ये बोला गया है 468 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों लीजिएगा 468 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आपको पता है जिसका इकाई का 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, उसमें 2 का भाग अवश्य जाता है, तो इसमें 8 आ चुके, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार चले जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 8, फिर लास्ट में 2 से विभाज्य वाली संख्या है, 2 का भाग अवश्य जाएगा, 2 का दिया तो इसमें 2 × 2 यहाँ भी 2 × 2 14 हो गए, 2 × 7 = 14, ये हो चुका है। अब यहाँ देखिएगा कितने का भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे तो 7, 8 और 1 = 9, तो इसमें 3 का चले जाएगा। ओके, 3 का भाग का नियम होता है अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चल जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाता है, तो 7 और 1 = 8 = 1 = 9, तो 3 का देंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएंगे, 11 में से 9 गया 2 बच गया और 27 हो गया, 3 × 9 = 27, फिर हम 3 का चल जाएगा, 3 × 3 = 3 × 9, फिर 13 का देंगे 13 × 13, तो इसको लिख देंगे अपन गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब इसको और भी आगे घातांक के रूप में लिख सकते हैं, 2 कितनी बार गुणा हो रहे हैं, 2 बार, तो 2 घात आ जाती है, 3 कितनी बार गुणा हो रहे हैं, 2 बार, तो ये 2 घात हो जाएंगे, और 13 एक बार है तो 1 को यहाँ घात लिख देंगे, तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3 × 2 × 13 × 1, तो 2 × 2 × 3 × 2 × 13 × 1, तो हमारा ए वाला आंसर हमारा ठीक आ गया। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप फिर लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप चाहते हैं और इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बच्चों अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से
कौन एक अपरिमेय संख्या है? बच्चों वे संख्याएं जिसे पी बटे के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी जो रूट की संख्याएं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, परंतु जिनका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाए, जैसे चार का वर्गमूल निकलता है ये दो, तो दो को दो बटे एक ये तो परिमेय हो चुकी है। मतलब वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हम उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इनका वर्गमूल नहीं निकलता, छः का भी नहीं निकलता, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों देखो ये भी तो ये क्या है, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या रूट आ गई, ये भी एक परिमेय, इसमें पूरे पूरे सही आंसर होंगे द। तो जहां भी आपको रूट वाली संख्या दिख जाए जिसका वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलता है तो आप बोलेंगे वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। बच्चों आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न करते हैं। दो तार, एक तो 12 मीटर का एक 16 मीटर लंबा है, दो तार के टुकड़े हमारे पास, एक 12 मीटर एक 16 मीटर, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? बच्चों ध्यान दीजिए, जब प्रश्न में अधिकतम शब्द आ जाए, अधिकतम शब्द आपके पास में आ जाएं, तो आप समझ जाना कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, अर्थात महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें 12 मीटर, एक तो दो तार टुकड़े, एक तो 12 मीटर का है एक 16 मीटर का है, अब दोनों का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। इसका पता कैसे करेंगे, जब अधिकतम आ जाएं तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दो का भाग लगाएंगे तो किसने 6 बार गया, और फिर दो का लगाएंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। टुकड़े हमारे पास में 2 × 2 × 3, बच्चों यहाँ भी 2 का लगाया हमारे पास तो 8 बार गया, फिर 2 का लगाया 4 बार गया, फिर 2 का लगाया तो 2 बार गया, फिर 2 का लगाया 1 बार। टुकड़े हमारे पास मौजूद हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना था, तो यहाँ ये एक टुकड़ा हमारे पास में ये कॉमन आ चुका है, उभयनिष्ठ एक ये आ चुका है, तो ये आ चुका है, दोनों गुणा किया तो हमारे पास 4, मतलब 4 मीटर तार अधिकतम तार कितना होगा 4 मीटर, तो हमारा आंसर होगा इसका अंतिम वाले क्वेश्चन का 4 मीटर, तो ये आंसर होगा देवाड़ा आंसर। तो बच्चों हमारा ये प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का सॉल्यूशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य अपने साथियों साथ में शेयर कर दीजिएगा, वो भी इसका लाभ ले सके, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।